दोस्तों जॉब बाबा टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज बाबा लेकर आया है आपके लिए एक और नया जॉब। दोस्तों आज की जो जॉब है वो है प्लम्बर के लिए। दोस्तों जो भी हमारे इंडियन भाई, पाकिस्तानी भाई और बांग्लादेशी, नेपाल, आसपास के देश वाले जो भी लोग बाहर जाना चाहते हैं प्लम्बर जॉब से रिलेटेड, तो आज वीडियो पर बने रहें। प्लम्बर से जुड़ी सभी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो कितनी सैलरी मिलेगी आपको ये भी बताएंगे। तो जॉब बाबा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली हमारी हर एक नई वीडियो और जानकारी आप तक पहुंच सके, जिसका आप लाभ उठा सकें। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को और ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे और उन्हें उसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं फिर रोज की तरह उस वेबसाइट पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी वही c.indeed.com की वेबसाइट पे। दोस्तों यहाँ आपको देखने को मिल रहा है न्यू लिखा हुआ है। दोस्तों ये देखिए, मैं हाईलाइट करता हूँ न्यू। दोस्तों ये जॉब आज ही पोस्ट की हुई है, टुडे। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों नीचे मैं पॉइंटर कर रहा हूँ, टुडे। तो दोस्तों आज इस जॉब को जो है पोस्ट किया गया है दोस्तों कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों ये जो भी मैं वेबसाइट पे जो भी आपको जॉब दिखा रहा हूँ ये सब जेन्युइन है, कोई भी फेक नहीं है। अपने अंदर का जो दिमाग के अंदर जो कीड़ा है उसको आप दोस्तों निकाल कर फेंक दीजिए। दोस्तों ये बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, सिर्फ आप लोग एक बार अप्लाई कीजिए फिर देखिए। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अप्लाई किया उसे मिला है, बहुत सारी कनाडा गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं और कुछ जेन्युइन वेबसाइट हैं जिन पर आप अपना CV सबमिट कीजिए और करीब करते रहिए दोस्तों, क्योंकि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आप जानते ही हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको दिखाते हैं, इसमें सैलरी आपको डायरेक्ट दिख रही है दोस्तों, 30 से 40 डॉलर। दोस्तों तो दोस्तों 40 डॉलर छोड़ दीजिए, मान लीजिए अगर आपको 30 डॉलर ही वहाँ पर मिले तो दोस्तों इंडियन सैलरी में उसका इंडियन रुपीज़ में कितना होगा वो हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों हमने खोल लिया है कैलकुलेटर जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो दोस्तों 30 30 × 55। तो दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए कि आपको 1 घंटे के 1650 रुपये दिए जा रहे हैं मेंटेनेंस एंड रिपेयर प्लम्बर के लिए। इसकी लोकेशन दोस्तों स्कार्ब्रो है दोस्तों। और दोस्तों इसमें देखिए क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट की है, पढ़ाई कितनी चाहिए और क्या क्या दोस्तों रिक्वायरमेंट है इनकी, ये भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल सैलरी बात करें दोस्तों 1 घंटे का 1650 रुपये मिल रहा है, और इसको अगर हम अप्लाई करते हैं 8 आवर्स से तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 13,200 रुपये आपको मिलते हैं। और 13,200 × 24 कर लीजिए दोस्तों, 24। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 3,16,800 रुपये बनते हैं दोस्तों। दोस्तों 3 लाख के ऊपर आपकी सैलरी होगी इंडियन रुपीज में, क्योंकि आपके सामने है लाइव प्रूफ। दोस्तों कोई फेक नहीं है, ये लाइव प्रूफ है। और दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट के जो रूल हैं वो ऐसा नहीं कर सकते कि इंडिया में जो लोग होते हैं कि बार्गनिंग हो जाती है कि भाई नहीं मैं 400 रुपये नहीं दूंगा तुझे एक दिन का, मैं तुझे 300 रुपये में ही दूंगा, काम करना है तो कर। ऐसा है कनाडा में नहीं चलता दोस्तों, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। जो उनका
एक गवर्नमेंट फिक्स रेट होता है, उसी रेट में वर्कर को काम देते हैं वहाँ के एम्प्लॉयर, और वो उनके साथ चीटिंग नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इनकी रिक्वायरमेंट क्या है चलो ये भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने फुल डिटेल्स में यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, नीचे आप लोग यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सेकेंडरी हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। दोस्तों जो ये ग्रेजुएशन लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को फुल ग्रेजुएशन का चाहिए, नहीं दोस्तों, सेकेंडरी हाई स्कूल। दोस्तों सेकेंडरी हाई स्कूल का मतलब है दोस्तों आपको 10वीं पास हो या 10 प्लस आपने 1-8 साल का कोई कोर्स किया हो, जैसे कंप्यूटर का है या और कोई आईटीआई किया है या पॉलिटेक्निक किया है, कुछ भी किया है तो भी वो प्लस टू में इन्वॉल्व हो जाएगा। अगर प्लस टू की रिक्वायरमेंट है और आप 10th पास हैं और आपके पास 2 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो भी दोस्तों ये प्लस टू में ही जोड़ा जाएगा, इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट लाइसेंस मेंबरशिप कोर्स, 5th पीरियड अप्रेंटिस, 4th पीरियड अप्रेंटिस प्लम्बर ट्रेड सर्टिफिकेशन। दोस्तों ये लोग आपको जो है अप्रेंटिस में भी डाल सकते हैं, यदि आप ऑलरेडी ट्रेंड हैं तो कुछ आपको ये ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगी, रेसिडेंशियल और कमर्शियल। दोस्तों घरेलू और दोस्तों घरेलू काम भी मिलेगा आपको और वैसा बाहर का भी काम मिलेगा। स्पेसिफिक स्किल में आप देख लीजिए दोस्तों, इंस्टॉल रिपेयर एंड मेंटेन डोमेस्टिक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लम्बिंग फिक्चर एंड सिस्टम, ये चीज दोस्तों स्किल आपको आना चाहिए ये सब काम। दूसरा जो दोस्तों ये अपनी तरफ से क्या देंगे आपको, टूल्स देंगे और सेफ्टी बोर्ड देंगे। और दोस्तों ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो दोस्तों व्हीकल सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर, ये अपने एम्प्लॉयर को व्हीकल भी देंगे पर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। वर्क लोकेशन इंफॉर्मेशन, वेरियस लोकेशन। तो दोस्तों अब और देर किस बात की है दोस्तों, ये जॉब एक्सपायर हो उससे पहले आप यहाँ पर ये वेबसाइट खोल कर दोस्तों indeed.com पर जा करके अपना CV सबमिट कीजिए और हो सकता है ऊपर वाले के यहाँ देर नहीं अंधेर नहीं सॉरी कि यहाँ देर है अंधेर नहीं है, आपको जरूर ये जॉब मिलेगी। और अपना तो प्रयास यही है कि एक रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो बनाने का मोटिव भी मेरा यही है, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आप तक दे सकूँ। दोस्तों आने वाले समय में हम आपके CV फ्री में अप्लाई भी करेंगे इन जॉब के लिए, जो लोग नहीं अप्लाई कर सकते मैं उनकी फ्री में करूँगा। उसके लिए दोस्तों एक लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, आप अपनी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों ये प्रोग्राम बहुत जल्दी नेक्स्ट मंथ से आने वाला है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जॉब सारी जो जॉब हैं ये दोस्तों एक लेबर कैटेगरी जॉब में आती हैं। दोस्तों ABC वहाँ पर ग्रेड होती है, तो दोस्तों इन जॉब की जितनी ही छोटी जॉब आप लीजिएगा उतनी ही आपको रिक्वायरमेंट भी कम होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो पैसा एक इंजीनियर नहीं कमा सकता वो एक प्लम्बर कमा सकता है। दोस्तों इंडिया के सॉरी कैनेडा के अंदर दोस्तों अगर जो प्राइवेट जो कि मतलब वहाँ पे परमानेंट उनके पास PR है, जो मतलब वहाँ के नागरिक हो चुके हैं और जो प्लम्बर हैं वो दोस्तों एक एक घंटे का $70 लेते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर $30 दिया हुआ है इन्होंने एक घंटे का, और वहाँ पर आपका एक घंटे का $70 भी बन सकता है।
यानी दोस्तों डबल, यहाँ सैलरी आपको 3 लाख मिल रही है, 3,16,000, और वहाँ पर दोस्तों वो 6,32,000 कमा रहा है। दोस्तों फ़र्क यही होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन आपका सीवी होना चाहिए दोस्तों। सीवी आप कैनेडियन फॉर्मेट में बनाइए, यदि आप नहीं बना पाते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपका सीवी को कनाडियन फॉर्मेट में बनाएंगे, और बहुत जल्द एक कनाडियन फॉर्मेट में सीवी बनाने का एक वीडियो भी डालने वाले हैं। तो दोस्तों वो वीडियो किसी किसी से कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।